श्रद्धा और आस्था का प्रतीक राजिम कुंभकल्प की आज से शुरुआत हो गई है। राजिम कुंभकल्प में शामिल होने के लिए देश विदेश के लाखों श्रद्धालु राजिम पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने का सिलसिला सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया है, जो आज दिन भर जारी रहेगा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक वैसे तो देश में अनादिकाल से हर वर्ष माघ पूर्णिमा में से महाशिवरात्रि तक राजिम मेला आयोजित किया जाता है। देश विदेश के लाखों लोग राजिम के पवित्र त्रिवेणी में उसी आस्था और विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, जिसकी शुरुआत आज माघ पूर्णिमा के प्रथम स्नान के साथ शुरू हो गया है। हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह त्रिवेणी संगम में स्नान किया, इसके पश्चात भगवान राजीव लोचन और कलेश्वर नाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के त्रिवेणी स्नान का यह सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। राजिम कुंभकल्प की अपनी एक अलग ही पहचान है। पैरी, सोंडूर और महानदी तीन नदियों के संगम स्थल राजिम त्रिवेणी संगम पर ये राजिम कुंभकल्प आयोजित होता है। त्रिवेणी संगम के एक तट पर भगवान विष्णु श्री राजीव लोचन विराजमान हैं, तो दूसरे तट पर सप्तऋषियों में से एक लोमस ऋषि का आश्रम विद्यमान है। त्रिवेणी संगम के बीचों बीच खुद महादेव कलेश्वर नाथ के रूप में स्थापित है। वैसे तो श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का सिलसिला साल भर लगा रहता है, मगर राजिम कुंभ के समय श्रद्धालुओं के पहुँचने की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। राजीव लोचन और कलेश्वर नाथ मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को घंटे लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। श्रद्धा और भक्ति का दूसरा नाम ही भगवान है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और भगवान के दर्शन की चाहत और मोक्ष की प्राप्ति की कामना को लेकर श्रद्धालुओं का राजिम कुंभकल्प में पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो 8 मार्च महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। यहाँ त्रिवेणी संगम में राजिम में हमने आस्था की डुबकी लगाई है। आज माघ पूर्णिमा है, भगवान श्री राजीव लोचन जी का प्राकट्य उत्सव है, और ये मेला आज माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक चलेगी। राजीव लोचन भगवान की जय, हर हर महादेव। पूर्णिमा है जिसमें हम सब परिवार त्रिवेणी संगम स्नान किए हैं, और हमें महसूस गर्व महसूस होता है कि हम जिस क्षेत्र में जन्मे हैं उस क्षेत्र में श्री आदरणीय ब्रिजमोहन मोहन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने ये हमारा जो आस्था जो केंद्र था राजिम, उसमें महाकुंभ के जो दर्जा दिए हैं, उसके लिए मैं माननीय मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र के विकास, हमारे क्षेत्र की उन्नति के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की उन्नति और देश की उन्नति के लिए इसने हमारी संस्कृति की धरोहर को जीवांत रखे हैं, इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए कुलेश्वर महादेव की जय।